हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे, लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज कर रहे होंगे। और मैं दिलीप कुमार आज आपके लिए फिर से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक बेहतरीन खूबसूरत सा टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉलम एंड स्ट्रट्स। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कॉलम एंड स्ट्रट्स, लेकिन हमने देखा था यूलर्स क्रिटिकल लोड क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। आज मैं स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में बताऊंगा क्या होता है, और जो कॉलम को हमने डिफाइन किया था शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम और मीडियम कॉलम, इसको स्लेंडरनेस की रेशियो की हेल्प से भी हम कैटेगराइज करते हैं। इतना क्लियर है? उसके बाद हम रैंकाइंस फॉर्मूला भी पढ़ने वाले हैं कॉलम का, जो कि हर कॉलम के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। और फिर हम कुछ क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, और आज की क्लास में हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एसएससी जेई के एग्जाम में, गेट के भी एग्जाम में, इंजीनियरिंग सर्विस के भी एग्जाम में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना यहाँ से अच्छा फ्रेम हो जाता है। क्लियर है ना? तो पूरे वीडियो को, पूरे लेक्चर को एंड तक देखना, पूरे लेक्चर में एंड तक जुड़े रहना, और आपको बहुत सारी चीजें आज सीखने वाली हूँ। क्लियर है ना? तो सबसे पहले मुझे लाइक करके बता दो वाकई में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और लाइक करके जैसे ही आप बताओगे तो हमको भी क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ पढ़ाई करना है और अपना शेड्यूल बना के कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है, तभी सिलेक्शन की तरफ हम जा पाएंगे। क्लियर है ना? सिलेक्शन की तरफ जाने के लिए दो अप्रोच होने चाहिए। एक तो फ्रीक्वेंट रिवीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंट रिवीजन, और फ्रीक्वेंट रिवीजन भी कंटिन्यूटी के साथ होना चाहिए, मींस ब्रेक नहीं होना चाहिए। चाहे आप 6 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो दिन का, लेकिन हर दिन पढ़ो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जोश आ जाता है, जोश जोश में 3-4 दिन तो पढ़ लेते हैं 10-10 घंटे, फिर आगे के आने वाले 5-10 दिन पढ़ ही नहीं रहे, तो वो सब क्या है, जीरो है, उसका कोई भी आउटपुट नहीं है। अब 5-5, 6-6, 7-7 घंटे पढ़ो, बट कंटिन्यूटी बना के पढ़ो। क्लियर है ना? ब्रेक नहीं होना चाहिए, फिर प्रॉब्लम आ जाती है। इतना क्लियर है सबको? तो यहाँ तक सबको क्लियर है। और मैं बताना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट लेक्चर के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम ग्रुप पर जाओ, उसे ज्वाइन करो, और वहां से हर वीडियो के शानदार खूबसूरत मेरी हैंडराइटिंग में नोट्स भी डाउनलोड कर लोगे। क्लियर है ना? बहुत अच्छे सर। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो नए जुड़े हुए, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपको वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। क्लियर है ना? तो यहां तक तो सब चीजें क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं क्या कि लास्ट मैंने जो फॉर्मूला लिखा था, एक बार लिख देता हूं फिर भी, लो यूलर्स जो फॉर्मूला हमने लिखा था, क्या किसी को याद है? यूलर्स फॉर्मूला की हमने बात की थी, देखते रहना। और यूलर्स फॉर्मूला में क्या मैंने लिखा था, पी क्रिटिकल जो था यूलर्स का, वो कितना आ रहा था? ये क्रिटिकल लोड है, क्या है क्रिटिकल लोड, कि एन के टर्म्स में लिखता हूं, एन पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एक्चुअल लेंथ का स्क्वायर। क्लियर है ना? और ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। अब मैंने क्यों लिखा है अभी देखना, इसका थोड़ा सा और हमको कॉन्सेप्ट को समझना है, और जैसे ही समझ आ जाएगा सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इधर देखो, हमने देखा था कल, कंडीशन देखी थी मैं, एन की वैल्यू अगर मैं बात करता हूँ बोथ एंड हिंज, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से कल वाला कंसेप्ट, जिसने लेक्चर नहीं देखा प्लीज एक बार जाके लेक्चर देख लो, कहाँ से चीजें आई है, क्या होती है क्या नहीं होती है, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस की है। तो एक बार जाके वो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखा करो, कोई भी लेक्चर यहाँ पे मेरा देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर जरूर देखो, क्योंकि मैं बहुत सारे कंसेप्ट पीछे बता चुका हूँ। क्लियर है ना? ऑलमोस्ट अब तो सिलेबस खत्म हो गया, बस एक टॉपिक बचा है, 75 लेक्चर हो गए, और हमारे ज्यादा से ज्यादा 6-7-8 लेक्चर और बचेंगे। अगर स्प्रिंग भी कराना हुआ, स्प्रिंग वैसे मशीन डिजाइन का पार्ट है, लेकिन अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगर पढ़ना है तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा देंगे, अदरवाइज मशीन डिजाइन में करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? तो यहां पर मैंने बोला था कि अगर बोथ एंड हिंज है, क्या है बोथ एंड हिंज, देखते रहना, बोथ एंड हिंज, बोथ एंड फिक्स, बोथ एंड फिक्स, फिक्स्ड एंड हिंज, ऐसे ही बोला था मैंने, और फिक्स एंड फ्री। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें पता थी, n इक्वल टू क्या होता था, 4, यहाँ पे तो क्या होता था, 1 होता था, सबको क्लियर है ना? यहाँ क्या होता था, 1 होता था, यहाँ पर n की वैल्यू 1 होती थी, यहाँ पर 4 होती थी, यहाँ पर 2 होती थी, और यहाँ पर 1/4 होती थी। क्लियर है ना? इसका मतलब
अगर मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि जो हमारा फोर्स है इसमें बोथ एंड फिक्स में वो चार गुना है किसके, फोर्स इन बोथ एंड हिंज। क्या इतना क्लियर है? जो हमारा बोथ एंड फिक्स का जो भी लोड है वो चार गुना है बोथ एंड हिंज के, और मैं बोल सकता हूँ दो गुना है किसके, बोथ एंड, चार गुना तो बोथ एंड हिंज के हो गया और दो गुना हो गया फिक्स एंड हिंज के। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। और 16 टाइम्स हो जाएगा इसके, 16 टाइम्स है किसके, फिक्स एंड हिंज के, लोड जो है फिक्स एंड फ्री के 16 टाइम्स है। इतना क्लियर हुआ सबको? तो ये हमको यहां से क्लियर हो गया। ये तो हमने कल ही देख ली थी सारी चीजें। आज मैं बात करने वाला हूं स्लेंडरनेस रेशियो की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं पर मैं डिस्कस कर लेता हूं सिलेंडर नेस रेशियो। बहुत पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, और ये सिलेंडर नेस रेशियो को हम एस से इंडिकेट करने वाले, क्लियर है ना, एस से इंडिकेट करने वाले। ये रेशियो है, दो वैल्यूज का रेशियो है। तो क्या होता है सिलेंडर नेस रेशियो, इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम डिवाइडेड बाई के। अब ये के क्या आ गया ये हमें समझना है। ये सिलेंडर नेस रेशियो हमने डिफाइन कर दिया कि एस इज इक्वल टू लेंथ, इफेक्टिव लेंथ बता दो कॉलम की क्या है, और डिवाइडेड बाई के बता दो। क्या इतना क्लियर सबको? वेयर, वेयर के को समझना है, के को बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन। और ये रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे निकलता है कि सर आई मिनिमम अपॉन एरिया और अंडर रूट। ये कहां से आता है? बहुत से लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि जब हम एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड से अगर मैं बोलता हूं कि अगर इस पूरे एरिया को मैं किसी एक पॉइंट पे कंसीडर करता हूं, एक पॉइंट पे, वैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरा एरिया। मैं बोलूं अगर ये पूरा एरिया किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है तो उस एक्सिस से उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। और इसीलिए हम बोलते हैं जब आई हम निकालते हैं एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का निकालते हैं, क्या वो एरिया इंटू एक्स स्क्वायर या फिर एरिया इंटू वाई स्क्वायर होता है कि नहीं, वाई डैश स्क्वायर एक्स डैश स्क्वायर, यही होता है, किसी ने पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा है तो हम बताएंगे, क्लियर है ना। तो ये होता था एरिया एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर मैं रेडियस ऑफ जायरेशन लेता हूं मैं पूरे एरिया को, तो हम यहां से ये भी बोलते थे आई इक्वल टू एरिया इंटू के स्क्वायर, वेयर एक्स की जगह के रोल प्ले करेगा, और यहां से अगर मैं के निकालता हूं तो के की वैल्यू क्या आ जाती है, आई अपॉन ए और रूट में, क्लियर है ना। लेकिन यहां पर हम आई मिनिमम की बात कर रहे हैं इसीलिए यहां आई मिनिमम कंसिडर करते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल हो गया। अब हमको आई मिनिमम तो पता चल जाएगा, क्रॉस सेक्शन जो भी देगा कॉलम का उससे निकाल लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, आई मिनिमम इसका रूट रेडियस ऑफ जायरेशन, और इफेक्टिव लेंथ से रेडियस ऑफ जायरेशन का डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा सिलेंडरनेस रेशियो। क्या इतना क्लियर है? अब ये क्यों यूज हो रहा है, सिलेंडरनेस रेशियो का मतलब क्या है? इधर देखो, तो जो सिलेंडरनेस रेशियो है, इधर देखना, सिलेंडरनेस रेशियो, सिलेंडरनेस रेशियो जिसे बोल रहा हूं मैं एस, ये क्यों यूज होता है, इज यूज्ड टू कंपेयर बकलिंग लोड ऑफ डिफरेंट कॉलम्स मेड ऑफ सेम मटीरियल एंड हैविंग सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब कहने का, अगर हमको दो डिफरेंट कॉलम को कंपेयर करना हो तो हम सिलेंडरनेस रेशियो की हेल्प से कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? इधर देखना कि अगर मैं बकलिंग स्ट्रेस निकालना चाहता हूं, क्या निकालना चाहता हूं, बकलिंग स्ट्रेस, समझते रहना चीजों को, बहुत शानदार चीजें बकलिंग स्ट्रेस। तो अंधा भी बता देगा कि सर अगर मैं बकलिंग स्ट्रेस निकालना चाहता हूं तो मैं सिग्मा ई की बात कर रहा हूं, क्योंकि बकलिंग लोड क्या था, पीई था, तो मैं बोल दूंगा सिग्मा ई अगर मुझे निकालना है तो लोड बता दो डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया बता दो, यही होगा। और लोड क्या था, यूलर्स बकलिंग लोड था जिसकी वजह से बकलिंग स्ट्रेस आ रही है, ठीक है। और मैं बकलिंग लोड का फॉर्मूला भी जानता हूं, क्या होता है, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम, यही होता है ना, और डिवाइडेड बाई एल ई स्क्वायर,
इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। अगर इफेक्टिव लेंथ नहीं लेते एक्चुअल लेते तो यहाँ एन आ जाता है, लेकिन हमने इफेक्टिव लेंथ ले ली इनटू एरिया। क्या इतना क्लियर है? अभी मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा? सिंस के इक्वल टू होता है रूट ओवर आई मिनिमम अपॉन एरिया, होता है कि नहीं होता? और ये के क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या मैं लिख सकता हूं इसका रूट हटाऊंगा तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू आई मिनिमम अपॉन एरिया। मजा आ रहा है? बहुत अच्छे, देखते रहना। और क्या मैं इस आई मिनिमम अपॉन एरिया की जगह यहां आई मिनिमम अपॉन एरिया की जगह के स्क्वायर पुट कर दूं? बिल्कुल कर दो सर। लो, क्या मैं इसकी जगह क्या के स्क्वायर पुट कर दूं? बिल्कुल कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। के स्क्वायर, और मैं लिख दूंगा कि ये हमारा जो स्ट्रेस आ गया, क्या आ गया? स्ट्रेस सिग्मा ई, वो क्या आ गया? पाई स्क्वायर चल रहा है इंटू ई चल रहा है और इंटू के स्क्वायर अपॉन एल ई स्क्वायर। क्लियर है ना? और हम जानते थे, अभी देखा है कि स्लेंडरनेस रेशियो, क्या देखा है? यहां देखते रहना। सिंस स्लेंडरनेस रेशियो अभी हमने पढ़ा है एल ई अपॉन के होता है, तो मैं वन अपॉन एस या के अपॉन एल ई लिख दूं, और क्या इसका स्क्वायर ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा? बहुत अच्छे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या मैं के स्क्वायर अपॉन एल ई स्क्वायर की जगह क्या वन अपॉन एस स्क्वायर एलिमिनेट कर दूं? देखते रहो, मजा आने वाला है। क्या? वन अपॉन एस स्क्वायर। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं ये पाई स्क्वायर ई अपॉन क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर हो जाएगा। पाई क्या है? कॉन्स्टेंट। ये भी ई क्या है? कॉन्स्टेंट। क्या मैं बोल दूंगा जो स्ट्रेस हमारी आई, बकलिंग स्ट्रेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लेंडरनेस रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। क्लियर है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो। क्या इतना क्लियर हुआ? एक चीज क्लियर हो गई कि जो हमारी बकलिंग स्ट्रेस है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही? क्या इतना दिमाग में घुस रहा है? क्या दिमाग के भेजे में घुस रहा है? और अगर घुस रहा है तो बोलो हाँ सर, घुस रहा है। बहुत अच्छे। अब देखो हम क्या सिग्निफिकेंस इसका समझना चाहते हैं। हमने बोला, क्या बोला कि सर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि सिग्मा ई जो था वो पीई अपॉन एरिया था, बिल्कुल था, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एस स्क्वायर था। अगर एरिया तो क्या है, हमने बोला सेम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं। किसकी? सेम क्रॉस सेक्शन एरिया की। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? कॉन्स्टेंट हो गया। डिफरेंट कॉलम के लिए क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। क्लियर है ना? तो मैं बोल सकता हूं जो बकलिंग लोड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एस स्क्वायर आ गया। देयरफॉर नेक्स्ट पेज में लेंगे क्या लेंगे सर? प्रसाद भगवान जी का। बहुत अच्छे। के यूलर्स बकलिंग लोड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर है। अब इधर देखना, शानदार कॉन्सेप्ट। अगर मैं एस की वैल्यू को क्या करता हूं? घटाता हूं। देखते रहो, S की वैल्यू क्या कर रहा हूं? मैं घटा रहा हूं। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा घट जाएगा डिनोमिनेटर, और अगर ये बहुत ज्यादा घटा तो ये क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो मैं तुरंत बोलूंगा यूलर्स बकलिंग लोड क्या हो गया? बढ़ गया, इंक्रीज। देखो ये मैंने कम किया तो यूलर्स बकलिंग लोड क्या हो गया? बढ़ गया। और अगर यूलर्स बकलिंग लोड बढ़ गया, इसका सिग्निफिकेंस समझना है। कहने का मतलब, क्या ये क्रिटिकल यूलर्स लोड था जो सहने की क्षमता रखता था? जो कॉलम कितना लोड सहने की क्षमता रखता है वही था। अगर ये वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब फेलियर ऑफ बकलिंग भी क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो हम तुरंत बोल देंगे, क्योंकि हमारी जो लोड सहने की क्षमता बढ़ गई, और लोड सहने की क्षमता अगर बढ़ गई तो चांसेज ऑफ फेलियर क्या हो गए? कम हो गए। मैं तुरंत बोल दूंगा चांसेज ऑफ बकलिंग क्या हो जाएंगे? रिड्यूस्ड। चांसेज ऑफ बकलिंग डिक्रीज। अब देखते रहना क्या कंसेप्ट है। और चांसेस ऑफ बकलिंग अगर कम हो गए, इसका मतलब बकलिंग की वजह से फेलियर नहीं हो रहा, और जिस कॉलम में बकलिंग की वजह से फेलियर नहीं होता उस कॉलम को हम शॉर्ट कॉलम बोलते थे। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? रिप्रेजेंट, बहुत शानदार कंसेप्ट, कौन सा कॉलम? शॉर्ट कॉलम। देखो इसका मतलब ये हुआ कि एस की वैल्यू अगर कम होगी, एस क्या है? स्लेंडरनेस रेशियो कम होगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा शॉर्ट कॉलम को। अब कितना कम होगा वो भी मैं अभी मेंशन करा दूंगा। क्लियर है ना? तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं मेरे लाल कि स्लेंडरनेस रेशियो अगर बढ़ गया, क्या हो गया? इंक्रीजेस, तो क्या यूलर्स बकलिंग लोड डिक्रीज हो जाएगा? मींस लोड को सहने की क्षमता कम हो गई तो वो जल्दी से क्या होगा? बकल होगा। मींस मैं बोल दूंगा कि चांसेज ऑफ बकलिंग यहां क्या हो रहा था? कम हो रहा था ना, तो मैं यहां डिक्रीजेस लिख लेना, चांसेज ऑफ बकलिंग डिक्रीजेस। क्लियर है ना? क्योंकि चांस ऑफ बकलिंग यहाँ क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे थे, और यहाँ पे क्या हो रहे हैं कि लोड को सहने की क्षमता अगर कम हो रही, इसका मतलब ये हुआ कि जल्दी से बकल हो जाएगा अगर हमने थोड़ा सा ही लोड लगाया। यहाँ पे बोल देना चांसेज ऑफ बकलिंग
क्या होगा, इंक्रीजेस, बकलिंग इंक्रीजेस, बहुत शानदार कंसेप्ट, एक बकलिंग इंक्रीजेस। और अगर ये इंक्रीज हो गया चांसेस, इसका मतलब बकलिंग किस में होता था, लॉन्ग कॉलम में, तो हम तुरंत बोल देंगे ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा क्या, लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम। क्या इतनी दिमाग में घुस रही है बात, क्या इतनी बात दिमाग में घुस रही है, बिल्कुल घुस रही है सर। एक चीज क्लियर हो गई कि अगर स्लैंडरनेस रेशियो की वैल्यू कम होती है, इसका मतलब ये हुआ वो शॉर्ट कॉलम होगा, अगर ज्यादा होती है तो वो लॉन्ग कॉलम होगा, और इन बिटवीन होती है तो मीडियम कॉलम होगा। और यहीं से रिप्रेजेंट किया गया कि कॉलम को हमने क्लासिफाई कर दिया स्लेंडरनेस रेशियो की हेल्प से। क्या इतना क्लियर हुआ सबको, बिल्कुल हो गया। तो मैं तुरंत बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा, कि जो स्लेंडरनेस रेशियो किसके लिए, शॉर्ट कॉलम के लिए, शॉर्ट कॉलम के लिए क्या होगा, सबसे कम होगा एज कंपेयर टू स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ मीडियम कॉलम। मीडियम कॉलम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं, और एज कंपेयर टू स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो सबसे ज्यादा होगा। क्या इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया। और मैं तुरंत अब यहाँ पे बताऊंगा कि शॉर्ट कॉलम के लिए कितनी वैल्यू होती है स्लेंडरनेस रेशियो की, फैक्चुअल डेटा है वो याद ही रखना है, क्लियर है ना। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो SSCJEE में पूछा गया एक दो बार, इसीलिए मैं डेटा को लिखा रहा हूँ। क्या है फॉर, अगर मैं बात करता हूँ किस कॉलम की, स्टील के कॉलम की बात हो रही है, फॉर स्टील कॉलम की बात हो रही है, इसकी फॉर स्टील कॉलम, फॉर स्टील कॉलम, स्टील का अगर कॉलम है, स्टील का अगर कॉलम है, तो स्लेंडरनेस रेशियो शॉर्ट कॉलम के लिए क्या होगा, अगर स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू लेस देन 30 होती है, लेस देन 30, तो ये क्या होगा, शॉर्ट कॉलम होगा, क्या होगा, शॉर्ट कॉलम। इतना क्लियर है। अगर स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 100 और ग्रेटर देन क्या होती है, 30, 30 से ज्यादा होती है, तब होता है हमारा कौन सा कॉलम, मीडियम कॉलम, बीच वाला मीडियम कॉलम, बहुत शानदार। और अगर स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 100 होती है, तब बोलते हैं लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम। और उम्मीद करता हूं सबको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अगर वाकई में क्लियर हो गई हैं तो मुझे जल्दी से बता दो, मजा आ गया कि नहीं आ गया। हमने देखा, ये कंसेप्ट देख लिया, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, बकलिंग स्ट्रेस देख ली, इसके पहले हमने यूलर्स फॉर्मूला कल वाला डिस्कस किया, और ये सारी चीजें हमने देख ली, क्लियर है ना। अब नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं, रैंकाइन फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंकाइन फॉर्मूला के सेम अजम्पशन है जो पहले वाले हैं, बट एक अजम्पशन यहां पर क्या है, हट गया है पहले वाला, कि यहां पर क्रशिंग इफेक्ट कंसीडर किए गए हैं। क्या किए गए, क्रशिंग इफेक्ट कंसीडर करके रैंकाइन फॉर्मूला ड्राइव किया गया है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं रैंकाइन फॉर्मूला, बस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इधर देखना रैंकाइन फॉर्मूला, रैंकाइन फॉर्मूला। और ये रैंकाइन जो फॉर्मूला होगा किस किस कॉलम के लिए वैलिड है, हर एक कॉलम के लिए वैलिड है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे लिख लेना सूटेबल, सूटेबल फॉर ऑल कॉलम्स, हर एक कॉलम के लिए क्या है, सूटेबल है। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब इधर देखो कि क्या होता है रैंकाइन फॉर्मूला, कुछ नहीं होना कि रैंकाइन फॉर्मूला की वजह से कुछ रैंकाइन लोड होगा, जिसे हम PR बोल रहे हैं, और ये क्रिटिकल लोड होगा, क्रिटिकल लोड होगा, कि ये जो लोड है किसी भी कॉलम पर क्रिटिकल लोड है जो वो कॉलम बियर कर सकता है। तो हम यहां से मेंशन कर रहे हैं रैंकाइन फॉर्मूला को, वो होता है 1/PR, 1/PR इक्वल टू 1/PE प्लस 1/PC। इधर देखना, ये है मेन फॉर्मूला। अब यहां समझना है PR क्या है, रैंकाइन लोड है, क्लियर है ना, रैंकाइन जो कंसीडर किया है। PE क्या है, यूलर्स बकलिंग लोड है। PC क्या है, क्रशिंग लोड, क्लियर है ना। PR तो क्या है, PR रैंकाइन लोड, रैंकाइन ने जो दिया है इतना होगा रैंकाइन लोड। और ये PE क्या है, यूलर्स बकलिंग लोड, सब देख चुके हैं यूलर्स बकलिंग लोड, बकलिंग लोड। और PC क्या है, ये PE है, और PC क्रशिंग लोड, क्रशिंग लोड। और क्रशिंग लोड क्या होता है, जो अप्लाइड लोड होगा हमारे जो भी मेंबर पर अप्लाइड लोड लग रहा होगा, या फिर जो भी क्रशिंग स्ट्रेस होगी, क्रशिंग स्ट्रेस होगी, तो क्रशिंग स्ट्रेस इनटू एरिया,
क्या होता है, लोड होता है। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। मींस कहने का क्रॉस सेक्शन एरिया का मल्टीप्लाई अगर क्रशिंग स्ट्रेस से कर दो तो ये होता है हमारा क्या, क्रशिंग लोड। ठीक है, यूलर्स बकलिंग लोड सब जानते हैं, पाई स्क्वायर ई इंटू आई मिनिमम अपॉन क्या होता है, एल ई का होल स्क्वायर। क्लियर है ना, एल ई का होल स्क्वायर। अगर इसको मैं कंबाइन करके लिखता हूँ ये सारी चीजों को, तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आता है। वहां कई बार वो पूछ लेता है, इस तरह से भी दे देता है ऑब्जेक्टिव में। तो यही वैल्यू रख रहा हूं मैं, पीई की जगह यहां रखूंगा ये वैल्यू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर, और पीसी की जगह रखूंगा ए इंटू सिग्मा सी, और पी आर की वैल्यू जो निकल के आती है इन वैल्यूज को पुट करके, इस वैल्यू को यहां पे पुट किया, ठीक है, इस वैल्यू को भी यहां पे पुट किया, और जैसे ही पुट किया तो यहां से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो मैंने सिंपलीफाई करके लिख दे रहा हूं। वो क्या आ रही है, पी आर की जो वैल्यू आएगी, पी आर इक्वल टू होता है एरिया इंटू सिग्मा सी और डिवाइडेड बाई, सिंपलीफाई करके लिख रहा हूं, वन प्लस सी, और ये होता है एल ई अपॉन के का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, एरिया इंटू सिग्मा सी डिवाइडेड बाई वन प्लस सी इंटू एस स्क्वायर। एस क्या है, स्लेंडरनेस रेशियो। क्लियर है, वेयर सी क्या है, वेयर सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेयर सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये सी की वैल्यू जो होती है वो रिलेशन देख लो, सी इक्वल टू होता है कि क्रशिंग स्ट्रेस बता दो, ये कॉन्स्टेंट गिवन होगी कि क्रशिंग, इतनी क्रशिंग स्ट्रेस है इसकी। जैसे हम देते थे ना यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ देते थे, ऐसे ही हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ देते थे, तो यहाँ पर डिफाइन कर देगा क्रशिंग स्ट्रेंथ, तो ये कॉन्स्टेंट होगी मटीरियल की, पाई स्क्वायर ई, ये सी की वैल्यू होती है। इतना क्लियर हुआ सबको, बिल्कुल क्लियर हुआ। और ये जो फॉर्मूला निकल के आया है ये याद रखना है, ये डायरेक्ट पूछा गया रिलेशन है। कई बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली ऐसे पूछ लेता है कि रैंकाइन फॉर्मूला कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, चार ऑप्शन दे देगा। क्लियर है ना, इतना क्लियर है। अब इधर देखो, यहां पर समझना है ये जो लोड है पी आर, सब जान रहे कौन सा लोड है, रैंकाइन लोड है, रैंकाइन ने दिया है इसीलिए रैंकाइन लोड बोल रहे हैं। अब इधर देखो, यहां पर जो अजम्पशन है, ऑल अजम्पशंस आर सेम, यहां पे लिख लेना नोट करके, जो अजम्पशन है ऑल अजम्पशंस आर सेम एज ऑफ यूलर्स बकलिंग लोड एक्सेप्ट हियर क्या है, एक्सेप्ट हियर कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ क्रशिंग ऑल्सो। क्लियर है ना, या वहां पर हमने क्रशिंग का इफेक्ट क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, यहां पर हम क्रशिंग का इफेक्ट क्या ले रहे हैं, कंसीडर कर ले रहे हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा बहुत शानदार कंसेप्ट है। इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां तक मुझे बता दो सबको चीजें समझ आ गई कि नहीं आ गई, और अगर वीडियो लाइक हुआ है तो क्या करना है, आपको भी लाइक करना है। वाकई में अगर पसंद आया है मेरी मेहनत, अगर आपको वाकई में पसंद लग रही है, मैं जो चिल्ला रहा हूँ चीख रहा हूँ इतनी आधी रात को, पड़ोसी भी बोलते हैं पता नहीं क्या हो गया, इंसान पागल तो नहीं हो गया। क्लियर है ना, अभी रात के कितने बज रहे हैं जो मैं शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको अंदाजा भी नहीं है, मैं रात के एक दो बजे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। क्लियर है ना, इतनी मेहनत सिर्फ आपके लिए की जा रही है, तो आप भी क्या करो, सपोर्ट करो। क्लियर है ना, तो आप भी क्या करो, सपोर्ट करो। दिन में इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि दिन में डिस्टर्बेंस रहता है, सराउंडिंग से आवाज आती रहती है, बच्चे भी हैं घर में, तो वो क्या है शोर शराबा करते रहते हैं, इसीलिए डिस्टर्बेंस होता है, इसीलिए रात को वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है स्पेशली फॉर यू ओनली। क्लियर है ना, तो इसीलिए आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप चीज़ों को शेयर किया करो, मुझे बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। लोग शेयर नहीं कर रहे हैं मुझे पता है, शेयर अगर करेंगे तो जरूर 100% सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। हमारा टारगेट अगस्त के मंथ तक हमको 1000 सब्सक्राइबर करना है। क्लियर है ना, अगस्त के मंथ तक हमको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, कि मैं चाहता हूँ सितंबर से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करूँ, लाइव क्लास। क्लियर है ना, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बहुत नहीं है, ये तो हमने क्या किया है, कंसेप्ट पढ़ा है। अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। इधर देखो क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पर, इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन,
क्या सबको क्लियर है? 2012 में गेट में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? गेट में। ठीक है, क्वेश्चन क्या समझते हैं? फॉर अ लॉन्ग सिलेंडर कॉलम, ठीक है, लॉन्ग कॉलम की बात हो रही है, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, द रेशियो ऑफ क्रिटिकल बकलिंग लोड फॉर द केस विद बोथ एंड क्लैंप टू द केस विद बोथ एंड हिंज। बोथ एंड हिंज दे रखा है, ठीक है, और बोथ एंड क्लैंप का मतलब है फिक्स। क्या बोल रहा है? क्लैंप का मतलब होता है फिक्स्ड, क्लियर है ना? बोथ एंड फिक्स और बोथ एंड हिंज मींस इसने बोला है कि अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कोई भी कॉलम है तो इसने लोड की वैल्यू पूछी है, क्रिटिकल लोड फॉर बोथ एंड फिक्स डिवाइडेड बाई क्रिटिकल लोड फॉर बोथ एंड हिंज, क्लियर है ना? मतलब एंड कंडीशन उसने चेंज की है, इसका मतलब ये हुआ कि एन की वैल्यू बता दो बोथ एंड फिक्स क्या है और एन की वैल्यू बता दो बोथ एंड हिंज क्या है, यही बोला है ना? क्योंकि एंड कंडीशन चेंज की है, बाकी सारी चीजें क्या है? सेम है, क्लियर है? क्रॉस सेक्शन वगैरह सब कुछ सेम है, तो बोथ एंड फिक्स के लिए एन की वैल्यू क्या होती थी? 4 होती थी, और बोथ एंड हिंज के लिए क्या होती थी? 1। तो रेशियो क्या आ गया? 4 आ गया, और ये आंसर। ऐसे चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन आते हैं गेट में, फिर भी लोगों का स्कोर नहीं आता है, देख रहे हो ना? ऐसे रिपीटिव क्वेश्चन आते हैं, 60% 65% क्वेश्चन तो हलवा होता है, हलवा ऐसा ही, समझ आ रही ना? लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, अभी हलवा लग रहा है ना, क्यों? क्योंकि अभी ताजा ताजा चीजें पढ़ाई हैं, और जैसे ही छोड़ दोगे भूल जाओगे सब, इसीलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गेट के एग्जाम के लिए। मैं बार बार फिर आपसे बोल रहा हूँ कि चीजें बहुत आसान है, लेकिन आप बार बार क्या करो, रिवाइज करो, उसी हिसाब से पढ़ो, कंटेंट को लिमिटेड रखो, वही कंटेंट पढ़ो जो एग्जाम में पूछा जाता है। अभी मैंने इनके डेरिवेशन नहीं कराए क्योंकि जरूरत नहीं है, डेरिवेशन जहां जरूरत होगी एसएससी जेई मेंस में पूछ सकता है डेरिवेशन, पहले प्री तो निकालो। जो लोग प्री निकालेंगे मैं एसएससी जेई मेंस के लिए बेहतरीन बेहतरीन जितने भी डेरिवेशन है उनके सेपरेट वीडियो, क्वेश्चन के लेवल कन्वेंशनल क्वेश्चन कराने की प्रैक्टिस कराएंगे। पहले आप निकालो तो ईएस का प्री निकालो, ईएस के मेंस के लिए मैं कन्वेंशनल के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिविल सर्विसेज के, इंजीनियरिंग सर्विस के अच्छे अच्छे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चनों के कंसेप्ट को सीखेंगे हम, क्वेश्चन एज इट इज याद नहीं करने, कंसेप्ट को समझना है। कैसा भी क्वेश्चन कोई दे हम चुटकियों में क्या करें? उड़ा दें, समझ आ रही ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या इतना क्लियर है? ये सबको क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लो, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, कॉलम बोल रहा है, कॉलम रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, बहुत शानदार। उसने बोला रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, कोई रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, बहुत अच्छे, जिसकी वो दे रखी है उसने वैल्यू, ये तो 10 mm दे रखा है और 20 mm, मान लेते हैं 10 और 20 mm का है, ठीक है, एंड लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ कॉलम एक्चुअल लेंथ देता है हमेशा, ये क्या है 1 meter, तो मीटर को कन्वर्ट कर लेंगे तो हम बोल देंगे क्या है 1000 mm, क्या इतना क्लियर है? ये दे रखा है, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम is closed. Oh my God. इधर देखो क्या पूछा है, स्लेंडरनेस रेशियो, और अंदा भी बता देगा क्या होता है LE upon K. इधर देखो हम जानते थे इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइड बाई रेडियस ऑफ जायरेशन, लेकिन यहां उसने बात ही नहीं की कि कॉलम जो है वो हमने जो कॉलम कर रखा है वो बोथ एंड हिंज है, बोथ एंड फिक्स है, क्या कर रखा है हमको बताया ही नहीं, इसका मतलब उसने इफेक्टिव लेंथ ही दे रखी होगी। गेट में अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम नहीं करना है, क्लियर है ना? गेट में अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम नहीं करना है, अगर उसे देना होगा तो वो खुद ही देगा चीजों को। यहां पर इसने लेंथ एल ही एल इक्विवेलेंट के बराबर दी है, इसका मतलब इधर देखो एल ही क्या दी है, एल इक्विवेलेंट के बराबर, और वैल्यू जो है वो दे रखी है हमको 1000 mm, क्लियर है ना? अब लो कर लो इसे, पहले के निकाल लेते हैं। के क्या होता है कि सर आई मिनिमम अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया और इसका अंडररूट। अब दिक्कत ये आ गई, मिनिमम क्या होगा, मिनिमम अंदा भी बता देगा, एक तो एक्स एक्सिस के अबाउट भी निकलेगा, एक वाई एक्सिस के अबाउट भी निकलेगा, तो अंदा बता देगा कि आई एक्स एक्स के अबाउट निकालता हूं मैं तो क्या होगा 1/12, यही होता है ना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट। कैसे याद करना है कि एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल लें तो जो पैरेलल डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के उसे सेम रखो, बाकी डिस्टेंस का क्या कर दो, क्यूब कर दो, लो 20 का क्यूब। y एक्सिस के अबाउट निकालना है, देखो y एक्सिस ये है, इसके पैरेलल डायमेंशन क्या है 20, इसे सेम रखो 20 × 10 का क्यूब। अंदा भी बता देगा ये वैल्यू क्या है, मिनिमम है, ये क्या है आई मिनिमम, बस यही कंसीडर करना है। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 1000 × 20, मैं तुरंत लिख दूंगा यहां आई मिनिमम कितना आ रहा है 1000 × 20 और डिवाइड बाई क्या चल रहा है 12,
यही आ रहा है। और एरिया तो हमें पता है 10 × 20 है, 10 × 20। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखो, क्या मैं चीर दूं, 20 से 20 को चीर दो, 10 से चीर दो, 100 डिवाइड बाई 12 आ रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे के की वैल्यू जो आ रही है, क्या आ रही है, 100 डिवाइडेड बाई 12, ये आ रही है रूट के। इतना क्लियर है। अब हमको पता कैसे चलेगा, करो कैलकुलेटर से सॉल्व, लो कैलकुलेटर खोल लो, कैलकुलेटर लेके हमेशा बैठना है, क्वेश्चन हम कभी भी करा सकते हैं। 100 डिवाइड बाई 12 और इतना आ गया 2.886 आ गई ये वैल्यू, क्या आ गई 2.886 समथिंग आ गई ये वैल्यू, क्लियर है ना। अब लेंथ इफेक्टिव क्या थी हमारी, लेंथ इफेक्टिव थी 1000, तो हम यहां से स्लेंडरनेस रेशियो निकाल देंगे, स्लेंडरनेस रेशियो 1000 डिवाइडेड बाई 2.886 से डिवाइड कर दो, तो हम कर देंगे 1000 डिवाइड बाई 2.886, तो ये आ रहा है ऑलमोस्ट इक्वल टू 346.41, और ये आंसर आ गया। और अंदा भी बता दिया क्या आंसर है, 346, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या इतना क्लियर हुआ, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिल्कुल देखो, लो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो ई दिया है, क्या दिया है, यंग्स मॉडुलस दिया है, देखते रहना, यंग्स मॉडुलस दिया है स्टील का, 200 गीगा पास्कल, मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे यहीं की यहीं, क्या है 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm², क्योंकि हमारी डायमेंशन इसमें होनी चाहिए, क्लियर है ना। उसके बाद कॉलम हिंज्ड ऑन बोथ साइड, उसने बोला है बोथ एंड हिंज की बात कर रहा है, बोथ एंड हिंज में एन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, अंदा भी बता देगा, ठीक है। इट्स हाइट इज 1.0 मीटर, हाइट मतलब लेंथ दे रखी है, और लेंथ हमको दे रखी कितनी, 1000 mm। क्रॉस सेक्शन वही दे रखा है, फिर से एरिया जो दे रखा है वो क्या, 10 × 20 mm², बहुत बढ़िया। लोएस्ट यूलर क्रिटिकल बकलिंग लोड, क्रिटिकल बकलिंग लोड की वैल्यू पूछी है, और अंदाजा ही बता देगा यूलर क्या होगी, n π² e (I)min / क्या हो जाएगा, l² e थोड़ी लेंगे, n कंसिडर कर लिया ना, n कंसिडर कर लिया तो हम क्या लेंगे यहां पर, l लेंगे। इतना क्लियर है। n की वैल्यू 1, पाई की वैल्यू 3.14, देखते रहो कैसे करना है सॉल्व, e की वैल्यू 200, ये रही 200 × 10⁻³, 200 × 10⁻³, I min डायमेंशन जो कम है उसका होल क्यू कर दो, तो हम लिख देंगे 1/12, डायमेंशन कम क्या है 10 है, तो 10 का होल क्यू हो जाएगा, ये I min आएगा, अभी भी हमने निकाला था, और डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, एल कितनी है 1000 का स्क्वायर, क्लियर है ना। इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है देखो, इस 10³ से, इस 10³ से ये गुजर गया, क्लियर है ना, सॉल्व कर लिया। देखो अब हम तुरंत लिख देंगे कि ये वैल्यू बची 3.14 का स्क्वायर × 200 ऊपर बचा × 20 और डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 12। और याद रखना है यूनिट किस में पूछ रहा है, न्यूटन में, हमेशा याद रखना है यूनिट को ध्यान रखना है, न्यूटन में पूछ रहा है, तो ये सारी कैलकुलेशन हमारी न्यूटन में हो रही है। देखो कितनी आएगी, 200 × 20 × 3.14 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 12, और आंसर आ गया कितना, 3286.53, क्लियर है ना, और 3 तीन डिजिट तक कम से कम सॉल्व करना है गेट के पेपर में, आंसर 3 डिजिट तक कम से कम लिखना है डेसिमल के बाद, और यहां तुरंत लिख देंगे यही आंसर है 3286.533 न्यूटन। क्या इतना क्लियर हुआ सबको, बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। मुझे बता दो जल्दी से जल्दी, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो अब हम कितने फास्ट क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ताकि हमारे पास क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से रहते हैं, समझ आ रही ना बात, मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रहा था, चीजों को बस क्या है इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। अभी तो मुझे पता है जब हम बोर्ड पर फिजिकली पढ़ाते हैं उसमें कुछ अलग ही फीलिंग होती है, इस क्लास में थोड़ी सी फीलिंग कम आती है, क्लियर है ना। बट हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास इतना बजट नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड खरीद लाऊं, क्लियर है ना, तो डिजिटल बोर्ड के लिए अभी बजट नहीं है, सपोर्ट भी लोगों ने इतना ज़्यादा किया नहीं है, इसीलिए अगर जिस दिन सपोर्ट भी आ जाएगा, बजट बन जाएगा, उस दिन डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ाना शुरू कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम इतनी इसीलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, ना चीज़ों को सब्सक्राइब कर रहे हैं, पर मैं जिस तरह पढ़ा रहा हूँ उस तरह से क्या है पढ़ते रहो, कंटिन्यूटी पढ़ाते तो रहूँगा। आप लोग अगर सपोर्ट करते हो, अगर फाइनेंशियली तो मैंने सपोर्ट मांगा नहीं किसी से, एक बार मांगा था फिर भी लोगों को दिक्कत हो गई, अब कम से कम चीज़ों को शेयर तो करो एटलीस्ट, क्लियर है ना, चीज़ों को क्या करो शेयर करो। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ मैं, सबको बताना है आंसर मुझे, क्वेश्चन फॉर क्या है, प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, फॉर प्रैक्टिस।
क्लियर है ना, कमेंट करके आंसर बताना इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, बी होगा, डी होगा, सी होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया सिविल सर्विस में, याद रखना सिविल सर्विस मतलब आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है और मैकेनिकल में, क्लियर है ना, मैकेनिकल में 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सब लोगों को बताना है कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी। इतना क्लियर है, तो आज के लिए अगर लेक्चर अगर हमारा वाकई में पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। मैं फिर बोल रहा हूं मेरा मोटिवेशन दिन पे दिन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, क्लियर है ना। तो बस इसी तरह से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और मैं आपके लिए फिर से कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आऊंगा जो होने वाला है क्या, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, क्योंकि अब हमारा टॉपिक ही क्या बचा है, एक ही टॉपिक बचा है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम और स्लोप कैसे निकालते हैं किसी भी बीम का किसी भी पॉइंट पर, डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, क्या होता है डिफ्लेक्शन, क्या होता है स्लोप, इनके मेथड्स 5-6 मेथड है, सारे मेथड 1x1 हम डिस्कस करने वाले हैं, मजा आ रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अलविदा, टाटा, बाय बाय, सबा खैर, सब लोग क्या रहो, कुशल रहो, सलामत रहो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो और पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।